हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अंजु त्रिखा आप सबका एक बार फिर आरकेपी ऑनलाइन हिंदी राइटिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी वर्णमाला के कुछ और वर्णों को लिखने का अभ्यास करेंगे और आप सब भी ध्यान से देखोगे और मेरे साथ साथ ही इन वर्णों का अभ्यास करोगे। तो बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे प, ठीक है। प लिखने के लिए हम ऊपर से नीचे तक लेकर आएंगे, फिर गोलाई में घुमाकर सीधी पाई लगाएंगे, ठीक है। अब फिर से देखो, प ऊपर से नीचे की तरफ रेखा लेकर आएंगे, फिर ऐसे गोलाई में घुमाकर सीधी पाई, ये बन गया प। फिर से देखो बेटा ध्यान से, ये देखिए, ये पाई लगा दी और ये बन गया प। अब बनाएंगे श, श षटकोण। श षटकोण बनाने के लिए हम पहले प बनाएंगे, ये देखिए, ऐसे ही गोलाई में घुमाकर और सीधी पाई लगानी है। और षटकोण बनाने के लिए हम लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ, ये प को बीच में से पेट में से ही काटेंगे ऐसे, ठीक है, ये बन गया श। अब फिर से देखो, प बनाओगे गोलाई में लेकर पाई लगाओगे, उसके बाद यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे हम इसको पेट में से काटेंगे, ठीक है। अब फिर से देखो, फिर वैसे ही प बनाकर और लेफ़्ट टू राइट ऐसे कॉर्नर में, ठीक है। अब ये बन गया श, श षटकोण। अब आगे देखो फ, जैसे हमने प बनाया था वैसे ही पहले प बनाएंगे। अब हम इसमें, जब हम पाई नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो हमने पेन को नहीं उठाना, ठीक है, फिर इसको वापस आधे रास्ते से दूसरी तरफ गोलाई में लेकर आएंगे, ये बन गया फ, ठीक है। अब फिर से देखो ध्यान से, प बनाया गोलाई में लेकर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर आधे रास्ते तक वापस और पीछे की तरफ गोलाई में, ये बन गया फ। अब फिर से वही दोहराएंगे, पहले प बनाया, फिर आधे रास्ते से वापस और पीछे की तरफ गोलाई में, ठीक है, ये बन गया फ। ठीक, बनाएंगे व। व बनाने के लिए देखो बेटा, पहले यहाँ इस पॉइंट से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ से गोलाई में नीचे लेकर जाएंगे और फिर ऐसे मिलाकर और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर नीचे हम सीधी पाई लगाएंगे, ठीक है, तो क्या बन गया व। अब फिर से देखो, ये देखो, फिर ऊपर की तरफ और फिर नीचे सीधी पाई, ठीक है। अब फिर से देखो एक बार ध्यान से, ये देखो, फिर ऐसे गोलाई में लाकर ऊपर से सीधी नीचे पाई, ये बन गया व, ठीक है। अब इसी तरह से हम ब बनाएंगे, ब बनाने के लिए भी पहले हम व बनाएंगे, ये देखो हमने अभी पहले बनाया था, फिर इसको यहाँ नीचे, ठीक है। अब व बनाने के लिए यहाँ इसके व के पेट में से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे तिरछा काटेंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, ये देखिए, ये देखो, ये बन गया ब। अब फिर से देखो, पहले व बनाएंगे, ये देखो, फिर
इसको यहाँ से तिरछा काट देंगे। ठीक है, अब फिर से देखो, पहले वह फिर इसको यहाँ से तिरछा काट देंगे, ये बन गया ब। अब इसके बाद हम बनाएंगे क। अब क बनाने के लिए भी सबसे पहले हम व बनाएंगे, ये देखो ध्यान से, बीच में से शुरू करेंगे हम, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, फिर नीचे, फिर आधे रास्ते से वापिस और पीछे की तरफ ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, क बनाने के लिए ऐसे ही हम गोलाई में लेंगे जैसे हमने व बनाया था, फिर पाई नीचे की तरफ, फिर आधे रास्ते से ऐसे गोलाई में पीछे की तरफ। ठीक है, अब फिर से बनाएंगे, आप ध्यान से देखोगे, व बनाएंगे, पाई नीचे की तरफ, फिर आधे से ही वापस आकर ऐसे पीछे गोलाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क। ठीक है, अब क बनाने के बाद अब हम बनाएंगे न। बेटा न भी हम ऐसे ही देखो, यहाँ इस पॉइंट से हम बीचों बीच गोलाई में मोड़कर यहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर बिना रुके ऊपर और फिर नीचे। ठीक है, अब फिर से देखो, ये गोलाई में ऊपर, फिर ऐसे पाई। ठीक है, अब फिर से देखो ध्यान से, ये देखिए बिल्कुल सीधी और फिर नीचे की तरफ पाई और शिरोरेखा। ठीक है, अब न के बाद हम बनाएंगे म। म देखो, ऊपर से ही शुरू करेंगे हम, नीचे ले जाकर फिर ये देखो ऐसे गोलाई में घुमाना है, इसका कोना नहीं निकालना, फिर ये पाई ऊपर और नीचे। ठीक है, अब फिर से ध्यान से देखोगे और फिर बनाओगे, ये देखिए गोलाई में, फिर ऊपर से नीचे पाई। ठीक है, ये देखो ये बन गया म। अब हम बनाएंगे भ। भ बनाने के लिए भी जैसे हमने न को यहाँ बीच में से मोड़ा था, वैसे ही हम ऊपर से ऐसे गोलाई में लेकर फिर नीचे, और इतनी ही गोलाई आपने रखनी है नीचे भी, और फिर म की तरह हम लोग पाई को ऊपर से नीचे तक लाएंगे। ठीक है, अब फिर से देखो, ये देखो गोलाई में ही नीचे लेकर आना है आपने, ये देखो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे कोने निकालते हैं, ये देखो ये गलत है। ठीक है, आप गोलाई में ही बनाएंगे, ये फिर से देखो, ये देखिए ये बन गया भ। तो बेटा आज हमने इन वर्णों का अभ्यास किया है, आप सब भी इन वर्णों को बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लिखावट में सुधार होगा। ठीक है, तो बेटा आप इन वर्णों का अभ्यास कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे के जो नए वर्ण हैं, जो बचे हुए वर्ण हैं, उनका अभ्यास करेंगे। ओके।